हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग तो ठीक ही होंगे, मेरा हाल तो बेहाल है। कोई बात नहीं, अभी हम लोग आए हैं मेहंदी लगवाने, क्योंकि ये मेरा व्लॉग है, तीज व्लॉग। पहले मेहंदी लगवाएंगे। इतना मस्त मौसम देख के हम लोग आ गए झूलेलाल जी के मंदिर। और कहीं नहीं जाते हैं गाइस, इतना अच्छा मौसम देख के शांति से जाओ मंदिर, मत्था टेको और ख़त्म। चलो मेहंदी लगाते लगाते दिखाती हूँ आपको, आ जाओ। इतने नाजुक से हाथ में लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नहीं मजा आ रहा है मेरे को। मेहंदी लगवाते लगवाते चाय जरूरी है गाइस। दिखा डिम्पी अपनी मेहंदी, अच्छे से दिखाना, इतना भाव खाएगी तो कोई नहीं दिखेगा तेरे को। हाँ अच्छी लग रही है, और टमटम व्लॉग ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। कमेंट पे बताओ किसकी मेहंदी ज़्यादा अच्छी है, तो तू ओवर एक्टिंग चालू कर दी ना। अभी मैं आई, इतने घंटे बैठने के बाद मेरे को चाय की बहुत ज़रूरत थी, और मैं चाय नहीं पीती हूँ। इसको लगता है ये काली हो जाएगी, बिना चाय पिए भी काली हो रही। हाँ, कैसे कैसे लोग हैं भाई। हाँ जानबूझ के मेहंदी दिखा रही है, हाईलाइट कर रही है अपने आप को ऐसे ऐसे करके। मेरी मेहंदी मैं आप लोग को कल दिखाऊंगी, मेरा होने वाला पति मेरे को प्यार करता है कि नहीं करता है नहीं पता है ना डिम्पी। मम्मी हंस रही, कमी नहीं बोल रही है मेरे को, ये भगवान। ये देखो अब मैं बाद में दिखाती हूँ। अभी मैं निकली थी डिम्पी को छोड़ने के लिए, बिना गुपचुप खस्ता खाए जाएगी नहीं। शर्म आ रही है, कल तीजड़ी है, उपास रखने और अभी ठूस रही है, बहुत बदतमीज है गाइस। जवाब देते भी शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। और रात के बज रहे हैं 4:30। अब मैंने की थी सैंडविच ऑर्डर मारियो से, पर वो पूरी वाट लगा दिया सैंडविच की, ये देखो। अब मैं क्या खाऊं? देखे किस्मत, नजर लग गई है किसी ना किसी की। तो कल पूरा दिन भूखा रहना है मेरे को, सोचते भी नहीं है मारियोस वाले। बताओ करना यार, क्या आपती कर रहे है? लड़का शर्मा गया गाइस, व्लॉग देखता है ना तो थोड़ा लड़की बन जाता है। मेरी मेहंदी तो अभी रच गई है, पर कल दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और असूर मतलब रात के मतलब सुबह होने से पहले कुछ खा लो, फिर दिन भर उपास। तो कल कंटिन्यू करती हूँ, अभी मेरे को पबजी खेलना है, पबजी टाइम है अभी। बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं और मेरी मम्मी निकल चुके हैं लोडा देने के लिए। क्या होता है मम्मी लोडा, मतलब हिंदी में बताएं? पूजा, पूजा करने के लिए तीज की। तीज की, और अभी तक हम लोग, मैं तो पानी नहीं पी हूँ, मम्मी ढकेल के पी चुकी है पानी। चाय पी ली हूँ मैं। चाय भी पी ली है, वेरी चलाक ब्रो। टमटम को नहीं पिलाऊंगी, मैं भी पीऊंगी अब घर जाके चाय। नहीं नहीं, टमटम के कैंसल कौन डबल बनाएगा, ये मेरी मम्मी है ना। तीज है तो जरूरी है कि चाय पी। मम्मी जैसी देखती ना मेरा व्लॉग बन रहा है तो तुरंत अपना चश्मा उतार के नीचे फेंकती है। यहाँ थोड़ा सा प्यार चल रहा है, ये सब सीन मैं कट कर दूंगी मेरे को, क्योंकि प्यार नहीं मिलता इतना। तीजड़ी माता हरन डोरे लोगिया रानी सोए राजा सा मां सोहा पंजे स्वागत बोल तीजड़ी माता की जय। तो अब हम आ गए घर, और समझ नहीं आ रहा है आप लोग से क्या बात करूं, ये रेड रेड ज्यादा ही हो गया है। अब पानी भी पी सकती हूँ और चाय भी, मेरी फेवरेट। पहले मेरी मम्मी मेरे को बताई कि तीजड़ी ना मतलब उपास, मतलब फ्रूट्स तो खा सकती है तू और चाय भी पी सकती है। तो मैं सोची अब मैं तीजड़ी में उपास रखूंगी, क्योंकि चाय तो मैं पी सकती हूँ ना, बिना खाने मैं जी सकती हूँ, पर बिना चाय मैं नहीं जी सकती। कुछ नहीं गाइस, फ्रूट्स मैं बहुत सारा खा ली हूँ, ड्राई फ्रूट्स भी खा ली हूँ, सब खा ली।
अब मैं चाय पी के थोड़ी देर सोऊंगी, जरूरी है ना भाई। अभी बज रहे हैं, सिटी बज रही है, सॉरी अभी बज रहे हैं शाम के 7। अब मेरे को अभी से ही लग रही है भूख। ये देखो मेरी मेहंदी, अरे मेरी मेहंदी नहीं देखे यार आप लोग, ये देखो साला इतनी रची है, पर जो मेरा होने वाला, ये मैं क्या बोल रही हूँ भाई, ये भाई के लिए रखी हूँ मैं, भाई लोग के लिए भी रखते हैं, और मतलब भाई लोग के लिए, भाई के लिए ही रखती हूँ भाई, मैं 3-4 साल से रखती हूँ। मतलब मेरा भाई मेरे से बहुत प्यार करता है, मतलब पिछले साल नहीं करता था क्योंकि तब नहीं रची थी मेरी मेहंदी, इस बार उसका प्यार डबल हो गया है, देख रहे हो दूसरा हार भी देख। मेहंदी मेहंदी तो हो गई गाइस, अभी मैं पीऊंगी चाय, मेरी फेवरेट। मम्मी को तो टाइम पास करना है भाई, सुबह से 10 कप पी चुकी होगी चाय के, अभी भी पी लिए। ऑलरेडी यस, ऑलरेडी है। पूजा कब करेंगे? आराम से 8:30 बजे। और चंदा मामा जी कब आएंगे? रात को 3 बजे। भाई बोलने का एक दिन रहता है, ये पूरा 2 दिन की तीजड़ी रहती है, रात को 3-4 बजे ही दिखते हैं हमको, और बारिश गिर जाए तो और खत्म, पेटी पैक। कल खाना खा लेंगे सुबह, रात को ही खाऊंगी मम्मी, भले 4 बजे या 5 बजे। चलो अब मेरे को चाय पीने दो, इतनी बकवास नहीं करो ना, देखो मेरा व्लॉग, पहले चाय बनाओ पियो मस्त, फिर आना मेरा व्लॉग देखने। ओमी को पता है यार मेरा उपवास है, और घर आके बोलता है चले कुछ खाने, तो कितनी चिढ़ लगेगी गाइस बताओ। चिढ़ लगाने के लिए तो बोला हूँ गाइस। फिर क्या हो रहा है, अच्छा तेरा तो उपास, ओके 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 चल चाय ही पी लेते, फिर ये आग लगा दिया ना, काट पीट के वही काम करता है होमी, तो बुआ बन रहा है क्या ब्रो? बुआ 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 इज माय फेवरेट। नेवला किसने पहचाना तुमको? नेवले बहुत है हमारे घर में, बुआ लोग को नहीं बोल रही हूँ स्पेशली। ये कट हो जाएगा गाइस, कट एक दिन पापा निकाल देंगे घर से। मत बोल भाई, पापा को ब्लॉक कर रही हूँ मैं अपने यूट्यूब पे, क्योंकि भाई मैं सब उगल देती हूँ ब्लॉग में, आर से पापा ब्लॉक। और प्लीज गाइस मेरे पापा को अगर कोई जानता होगा तो मत भेजना प्लीज। टेस्टी है, फिर तू बोलूंगा तो तू बोले कि जला रहा है, तुम बता दे ना। अच्छा नहीं, ऐसे ही खा रहा हूँ जबरदस्त। कभी नहीं खाना चाहिए, शर्म भी नहीं है, ऐसे पानी में भीग के बर्गर लेने गया है, वड़ा पाव, सॉरी वड़ा पाव। ये गोली वाले के पास तो कभी मत आना, इतना अकड़ू है ओमी, तेरे को प्लेट नहीं दे रहा था ना, वापस करके आ जाता हूँ। हाँ वापस करके आ जाता हूँ, थोड़ी पीते कथा सुनी ही नहीं हो ना तब तो। दोनों काम बंद रखी थी, नहीं चाय पी लो गाइस, कुछ ज्यादा ही दूर आ गए हम लोग चाय पीने के लिए, और ओमी अपनी डौकी से बात कर रहा है, बिजी है, कथा सुना रहा है फोन में उसको। अब वो सीधा अर्घ देगी तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, चाय के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इतना तो आप लोग जान लो। आज भिलाई आ गई मैं रायपुर से, बताओ तो हो गई कथा। अब हम पानी भी नहीं पी सकते, ये मम्मी पहले क्यों नहीं याद दिलाई, मैं तो बॉटल भी रखी थी पानी पीने के लिए। कोई बात नहीं, होता है। अब सीधा 1 बजे, अभी बज रहा है 9, मेरे हिसाब से 9 बज रहा है, पर 10 बज रहा है। चांद का वेट करते हुए मैं कितने बजे तक गाइस बैठना पड़ेगा आप बताओ? हलना हलो मथे ककर में हली वेंदो आ ना, ककर में ही वयो लगे तो। हां हलना मत, चांद तो नहीं निकला, बहुत लेट निकला था 2 बजे, और अभी बज रहे हैं 3, और अभी मैं पबजी खेल रही हूँ। कोई टेंशन नहीं है, मैं खाना वाना खा ली हूँ सब,
वीडियो कॉल पे चांद देखी मैं, क्योंकि चांद बहुत लेट कर रहा था, मतलब यहाँ पे आया ही नहीं था, दिखा ही नहीं मेरे को, तो मैं वेट नहीं कर पा रही थी, नहीं तो मैं चक्कर खा के गिर जाती। चलो कोई ना, हो गया, अच्छी गई थी जुड़ी। चलो बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू।